का आप सुख दे दिए। अरे राजाओं की बात करो, हर समाज में राजा हुए, लोगों ने अपने अपने हिसाब से पराक्रमण किया, हर पराक्रमी राजा हुआ करते थे, लेकिन जो पराक्रम जो अपनी शान दिखाने का काम महाराज सूरजदेव ने किया, ऐसा कार्यक्रम ऐसा पराक्रम कोई राजा किया ही नहीं। इतना बड़ा पराक्रमी राजा जो 18 साल की उम्र में उनके पराक्रम को देखते हुए उनके क्षेत्र की जनता और उनके माता पिता ने उन्हें राज पूर्वक करने का काम किया। 18 साल की उम्र में बच्चे को मालूम नहीं होता है कैसे क्या करना है, समाज के बारे में नहीं समझता है, लेकिन इतने पराक्रमी राजा थे कि 18 साल की उम्र में उनको राज तिलक कर दिया गया। और
कहूंगा कि बहुत कुछ सीखा, किसी ने बहुत पढ़ा है, तो मैं जयपुर के अवसर पर चाहूंगा कि भाई सिर्फ जो चयन है मैं बड़े चाहूंगा और चलिए मैं तो सफर करेंगे। जय श्री राम। ऐसे जितने भी शाखाएं से लोग आए हुए हैं,
साझा अध्यक्ष और पदाधिकारी सबको बड़ा नमस्कार करता हूँ। भिवंडी से हमारे साथ चल के आए अमर भाई, हमेशा जहां भी जाना होता है साथियों के लिए भी जी एक खुशखबरी आ गई हमारे भाई श्रवण जी की तरफ से कि हर आदमी के लिए प्रसाद बना हुआ है, भोजन करना है सबको, प्रसाद करके सबको जाना है। तो मित्रों सभी को मैं प्रणाम करता हूँ एक साथ हाथ जोड़ करके, ज्यादा नाम लेंगे तो बहुत ज्यादा समय जाएगा। और हमारे बीच में जो राजभवन का जो भी कार्यक्रम हो, राशि राजभवन सेवा संघ का हो या कभी भी राजभवन का अन्य कार्यक्रम हो, जैसे महाराज सोनदेव जी का जितनी भी जयंतियां हुई है सबको कवर करने का काम अगर कोई समाज का किया है तो राजभवन चैनल के हमारे बड़े भाई अखिलेश जी और संतोष भारद्वाज जी, इनके लिए जो चाहिए क्योंकि समाज को जहाँ कार्यक्रम लिया वहां जाकर के ये अपना समय भी दिए और पैसा दे करके समाज की चीज को, समाज की जयंती जो हुई, जो विचार हुए, जो उपदेश दिया गया उस चीज को उन्होंने पूरे देश में दिखाने का काम किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इन लोगों को। साथियों सोनदेव जी की बात आज हो रही है, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, हमारे बच्चे यहाँ है, हमारे नौजवान यहाँ है और हमारे बुजुर्ग यहाँ है, हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई है, सबसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आज एक संकल्प लेके जाना है हमें। महाराजा जब हम सोनदेव की जयंतियां मनाते हैं, आज से नहीं 1981 से हमारा संगठन रजिस्टर्ड हुआ, उसके पहले से हमारे राजभर समाज के लोग जो बुद्धिजीवी थे यहाँ पे कहीं न कहीं जयंतियां मनाई जाती थी, वो सिलसिला चलते चला जा रहा है, चला आ रहा है और हम लोग एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें एक संकल्प लेना होगा, आज ही मैं कहूंगा कि आज से संकल्प लेते हैं कि हमारे बच्चे जो नौजवान बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें बाबा जो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की सीमा जी की हर समय जो है अपने समाज में लोग बताने का काम करते हैं उनके इतिहास को, लेकिन राजभर समाज के लोगों आपको भी अपने महापुरुषों का इतिहास बनाने का काम हमारी माताएं बने करेंगी अपने बच्चों को। और जिस दिन बच्चे के दिमाग में आएगा कि हमारे राजा हुआ करते थे, 165 राजा हुआ करते थे इस देश में, जब 500 राजाओं का एक ग्रुप होता था उसमें 165 राजा सिर्फ राजभर के हुआ करते थे और इतने प्रकार के राजा हुआ करते थे कि विदेश से आए हुए आक्रांताओं को धूल चलाने का काम किया, उन्हें उनकी आकार बनाने का काम किया, वो राजा कोई ज्यादा आकर सुबह देती हो। हर राजाओं की बात करो, हर समाज में राजा हुए, लोगों ने अपने अपने हिसाब से पराक्रमण किया, हर पराक्रमी राजा हुआ करते थे, लेकिन जो पराक्रम जो अपनी सार दिखाने का काम महाराज सूर्यदेव ने किया, ऐसा कार्यक्रम ऐसा पराक्रम कोई राजा किया ही नहीं। तो ऐसे में आप लोगों को बताने काम करूंगा। और दूसरी बात, हमारा एक और सलाह आप लोगों से गुजारिश है कि हर जितने भी समाज के लोग यहाँ आए हैं, ये छोटा ही मूर्ति क्यों ना हो या फोटो हो, उस फोटो को आप अपने घर में लगाए, ये कसम खा के आ जाना है, क्योंकि बहुत राजभर के घर में जाता हूँ तो वहाँ पे कृष्ण भगवान, राम, सरस्वती जी सबका फोटो मिलता है। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, आप पूजा करो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हमारे पूर्वज जो थे, जिनके खून से, जिनके ब्लड से आज मैं आप आकर के अपनी बात करने का काम कर रहा हूँ, अपने समाज को जगाने का काम कर रहा हूँ, आप लोग कसम खाइए कि हर घर में सूर्यदेव जी की छोटी मूर्ति हो या बड़ा फोटो लगा करके आप लोग उन्हें कम से कम एक अगरबत्ती जलाने का काम करेंगे तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे महाराजा सूर्यदेव जी की। माताएं बहने जो हमारे बीच में, मैं कहूंगा कि आप लोग कम से कम बच्चों को सुबह शाम कम से कम एक अगरबत्ती देकर जलाने का काम करें, कम से भगवान का पाठ पूछो, कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम अपने समाज के प्रति अगर निष्ठावान होते हैं, अपने परिवार के प्रति अगर निष्ठावान होते हैं, तो परिवार आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं आना होगा। साथियों महाराज सूर्यदेव के जन्म के बारे में लोगों ने बताया होगा, लेकिन कुछ पॉइंट है, जैसे महाराज सूर्यदेव जी बसंत पंचमी के दिन 1009 में पैदा हुए, 1009 में पैदा होकर के उन्होंने अपने जैसे आम बच्चे की तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन 14 साल की उम्र में
उनके पिताजी उनकी माताजी ने गुरुकुल में भेजा, शिक्षा दीक्षा जो उनकी थी और शस्त्र विद्या का उन्होंने अभ्यास चालू किया और उस शस्त्र विद्या का जिन्होंने अभ्यास किया उस शस्त्र विद्या से पूरे देश में एक संदेश गया कि इतना बड़ा पराक्रमी राजा जो 18 साल की उम्र में उनके पराक्रम को देखते हुए उनके क्षेत्र की जनता और उनके माता पिता ने राज पूर्वक करने का काम किया। 18 साल की उम्र में बच्चे को मालूम होता है कैसे क्या करना है, समाज के बारे में नहीं समझता है, लेकिन इतने पराक्रमी राजा थे कि 18 साल की उम्र में उनको राज तिलक कर दिया गया। उसी बीच में आप लोगों ने कहानी सुना कि सैयद सरार गाजी जो यहाँ पर आया था पूरे देश पे वो आक्रमण करते हुए अयोध्या को भी जीता। आप इधर से देखिए गुजरात बनारस पूरे देश जितने प्रांत हमारे यहाँ जीतते हुए जैसे ही वो बहराइच की तरफ बढ़ता है, बहराइच में जाकर के वो अपना संघ जो है वहां पर ठहराव करता है, कैंप लगाता है और उसने एक आदेश दिया, एक पत्र दिया अपने सैनिकों को, प्रांत सभापति है उसको उसने एक पत्र लिख के दिया कि राजा सुरेंद्र जी को बोलिए कि वो अपने आप को हमारे अधीन कर ले, हमारे अधीन हो जाएंगे, हम उनको उनके ऊपर वार नहीं करेंगे, उनसे लड़ाई नहीं करेंगे, इसके बाद राजपाट हम उसको जो है सौंप दिया जाएगा। जब ऐसी बातें जब संदेश महाराजा सुरेंद्र जी के पास गाजी ने भेजने का काम किया तो एक शेर का खून खौल उठा उनके अंदर। जब उनका जज्बा खून से खौल गया तब उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने अपने जो राजा थे संपक्ष समाज के लोग थे उनको उन्होंने इकट्ठा किया, 21 राजाओं की एक उन्होंने फौज बना करके ऐलान कर दिया कि हम तुम्हारे सामने नतमस्तक नहीं होने वाले, आओ सामने से आकर के युद्ध करो, हम तुम्हारे सामने युद्ध करने का ऐलान करते हैं। समय कम है, क्षमा चाहता हूं, लेकिन एक चीज जरूर बताऊंगा कि हमारे जो पूरे भारत में जितने भी राजा हुए आज तक मैं बताऊं उसमें 3 राजा ऐसा हुए जो संतवेदी बाढ़ चलाते थे। दशरथ जी की मैं बात करूं, दशरथ जी ने संतवेदी बाढ़ चलाया था एक बार जो श्रवण कुमार को लगा था, दूसरा संतवेदी बाढ़ चला था आप लोग पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने होंगे, जब उनकी आंखें फोड़ दी गई तब उनको जो है एक इशारे के ऊपर उन्होंने बाढ़ चलाया और उस मुगल साम्राज्य का वहां पर समाप्त किया। तीसरा महाराजा सुहेल की हम बात करेंगे, जब उनको संतवेदी बाढ़ उन्होंने कम चलाया था उस समय की बात है जब सौवन सराय गांधी जब उसकी सेनाओं को गाजर मुड़ी के तरह राजभर के सैनिकों ने काट डाला था तो अकेले जब बचा हो तो भागते चला गया और भागते भागते जाकर के एक गुफा में उसने एंट्री की। जिस गुफा में एंट्री किया उस गुफा में एक गिरगिट बैठा था, गिरगिट और मकड़ी होती है, मकड़ी जो है जाला लगा ली थी गुफा के दरवाजे को। जब गिरगिट ने इशारा किया तो महाराजा सुरेंद्र जी को लगा कि ये जानवर कुछ न कुछ तो इशारा कर रहा है, वहां पर उन्होंने तीर धनुष लेकर के थोड़ा सा सोचे कि हम देखते हैं गया किधर, क्योंकि कंफ्यूज हो गए थे दिख नहीं रहा था। तब तब उनको जो है जैसे ही गुफा में भाग रहा था वहां एक पत्थर गिरने की आवाज आई, जैसे ही आवाज आई महाराजा सुरेंद्र जी ने शब्द विधि भाष को छोड़ा और उसी शब्द विधि भाष से उसकी हत्या हुई और वही फिर हमारा हमारे महाराजा सुरेंद्र जी ने अपने साम्राज्य को कायम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय